इस्तीफे पर लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से बयान सामने आ रहे हैं और अब चूरू से कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां का बड़ा बयान आया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रदेश की राजनीति में एक बड़े नेता हैं। उनकी तरह अपनी बात पर कायम रहने वाले बहुत कम नेता अब राजनीति में बचे हैं। इसके साथ ही कस्वां ने यह भी बताया कि बीजेपी में जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है वैसा उन्हें सम्मान कभी दिया ही नहीं गया। अपना बात को उस स्टैंड को अपना रखते हैं और जिन्होंने कहा था जो करा है मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर यस भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेताओं के बारे में सोचना चाहिए जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिनके बारे में बहुत से लोग पार्टी के लोग काफ़ी कुछ बोल भी रहे हैं, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए और जनता के बीच में जाकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आपके कारण पार्टी का क्या नुकसान हुआ है और पार्टी आपके आपके इस अहंकार और घमंड के कारण जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा उसके बारे में आप भी मंथन करिए और कुछ किरोड़ीलाल मीणा जी से भी कुछ सीखिए। प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे रामनारायण मीणा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बयान दिया। दिल्ली दौरे पर रहे रामनारायण मीणा ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता और एक वरिष्ठ नेता है। मीणा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम किया है, जिस व्यक्ति ने मोदी के साथ काम किया हो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है तो ये तो बड़ी बात है। रामनारायण मीणा ने यह भी कहा कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ अन्याय हुआ, वो दबाव में आने वाले नेता नहीं है, लेकिन जैसा उनके साथ अन्याय हुआ उससे वो मानसिक दबाव में जरूर थे। उनको तो चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स का काम करें, राजस्थान की जनता का काम करें, उनको मौका नहीं मिल रहा था और यही कारण है कि उन्होंने जो बोला, क्योंकि पब्लिक में उनकी इमेज इस आधार पर कम हुई है कि उनको मंत्री पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। जिस दिन उसका अनादर हुआ, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया, तो उन्होंने जो कहा था चुनाव के दौरान उसको उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये केवल आपसी समझाइश है।